जब यहाँ दंगा होगा और इस्लामिक जिहाद के गुरु के जब यहाँ अटैक करेंगे और मारेंगे, वो उम्र नहीं देखेंगे कि हमें 9 साल का बच्चा मारना है 22 साल का, उस समय मारेंगे और सबको लड़ना पड़ेगा। मारने के लिए हिंदुस्तान को बचाने के लिए सीख रहे हैं। तो मुसलमान कौन है? मुसलमान वे हैं जो मीट खाते हैं। हमारा संगठन है हिंदू स्वाभिमान संगठन है, यह राष्ट्रीय संगठन है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, कई राज्यों में चल रहा है। मकसद है हिंदू समाज की रक्षा करना और जो इस्लामिक स्टेट बनाने की जो योजना है ISIS की, उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी है, क्योंकि ISIS ने जो अपना टारगेट रखा है 2020 तक पूरे भारतवर्ष पर कब्जा करने का और पूरे विश्व को इस्लामिक धर्म में तब्दील करने का, ये उससे लड़ने की तैयारी है। चाहे किसी को ये गलत लगता हो, लेकिन हमें अपने हिंदू समाज को युद्ध के लिए तैयार करना होगा, तभी हम आतंकवाद से मुकाबला कर पाएंगे। हम यहाँ पर तलवारबाजी की, तीरंदाजी की और जो वेपन है लाइसेंस वाले, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। लोग कहते हैं तुमने बाहर बोर्ड लगा रखा कि मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। आप ये कहो ना, मुस्लिम आते किस लिए हैं? आप मुसलमानों से कहो क्या कोई मुसलमान यहाँ पूजा करने आता है? कोई मुसलमान श्रद्धा के भाव से आता है? केवल हमारी बहन बेटियों को छेड़ने के लिए लफंगे आते हैं। हमारे एक बच्चे ने ये कहा, हमारा शिष्य है कमलेश तिवारी, आप कभी उससे मिले पूछना, वो शिष्य है हमारा, उसे हिंदू महासभा हमने ज्वाइन कर रहे, उसने ये कहा, एक छोटी सी बात कही और मुसलमानों की लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। एक स्टेटमेंट के लिए उसे जासूका की संस्तुति करके जेल में डाल दिया गया है। ट्रस्ट किस पे करें हम? हमें जो है इन चीजों से कभी किसी ने बचाया नहीं। कोर्ट में जाते हैं जमानत मिलती है, कोई नेता हमारे पीछे ना खड़ा हुआ, ना हमें नेताओं की जरूरत है, नेताओं को हमारी जरूरत होती है। हमारे सारे शिष्यों के पास लाइसेंस हथियार हम तो अपना शिष्य उसे बनाते हैं जिसका हथियार, जिसका हथियार हथियार ना हो, जो खाली जुबानी चलाता हो ना, दूर रखते हैं। आप पूरी दुनिया में मुझे एक देश का उदाहरण दो जहां मुसलमानों की जनसंख्या दूसरी कम्युनिटी से ज्यादा रही हो और उन्होंने फिर वहां उन्हें जीवित छोड़ा हो। इस्लाम से खतरा है वो सच्चाई से क्यों, सच क्यों ना बताए? दुनिया में जो भी कुरान को फॉलो कर रहा है, जो भी कुरान को फॉलो कर रहा है, वो उसका पर्सनल कुछ नहीं होता, उसका पर्सनल कुछ नहीं होता, वो मुसलमान है, वो सब जिहादी है। या तो आप उससे कहोगे वो कुरान को फॉलो नहीं कर रहे, अगर कुरान को फॉलो कर रहे हैं तो वो जिहादी है, और अगर कोई मौलाना कह रहा कि मैंने, मैं कुरान को फॉलो भी कर रहा हूँ और मैं जिहादी नहीं हूँ, तो मेरे से बहस करो। जितने आतंकवादी आज तक हुए वो मुसलमान है, और जिस दिन ISIS भारत में अटैक करेगा वो भारत का एक एक मुसलमान ISIS को ज्वाइन करेगा, वो किसी हिंदू संगठन। ऐसे में तो भारत में भी एक हिंदू IS तैयार हो जाएगा ना इस तरह से? नहीं, आप क्या गलत कह रहे हैं, हिंदू IS नहीं है, डिफेंस है। तीनों चीज, ऑपरेशन हॉल और साइड की नोक और टारगेट का मध्य मिल जाए, उसी दौरान टाइगर दबाना फायर हो जाएगा। मिलाओ पहले तीनों चीज को, मिलाओ मैं बताऊंगा। मिल गए तीनों फायर।